जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और हम इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसी सीरीज में आज ये फर्स्ट वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं आरएमएलयू बीएड सेकेंड ईयर 2021 में पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। बीएड सेकेंड ईयर पेपर वन 2021 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे शॉर्ट में उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो 2021 का आपका पहला प्रश्न था शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा बतानी थी, डिफाइन द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी परिभाषा हम दोनों देखिए बायलैंग्वेज चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगे इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा देखते हैं। फॉक्स बीच तथा रफर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावी ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अकॉर्डिंग टू फॉक्स बीच एंड रफनर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज द सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटी थ्रू विच द गोल ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस आर इफेक्टिवली अचीव्ड। प्रभावी ढंग से प्राप्त किए जाते हैं क्या, शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य। तो ये हो गई परिभाषा। दूसरी परिभाषा देख लेंगे हेनरी फॉयल के अनुसार, और हेनरी फॉयल ने थोड़ा सा इसे बढ़ चढ़ के बेहतरीन शैक्षिक प्रशासन को पिता कह के संबोधित कर दिया। हेनरी फॉयल ने क्या कहा, प्रशासन प्रक्रिया को पिता कहकर पुकारा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके शब्दों में, किसके शब्दों में, हेनरी फॉयल के शब्दों में, अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन पांच तत्वों का समाग्रह है। वो पांच तत्व कौन कौन से हैं, हेनरी फॉयल ने कहा कि शैक्षिक प्रशासन पांच तत्वों का समाग्रह है। कौन सा, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। शैक्षिक प्रशासन को हेनरी फॉयल ने कहा कि एक फादर कह के पुकारा जाता है। क्यों, क्योंकि लाइक अदर एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइव एलिमेंट्स। वो पांच तत्वों का प्रोसेस है। क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। शैक्षिक प्रशासन के मुख्य पांच तत्व हैं कौन कौन से भैया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर देना, कोऑर्डिनेशन करना और कंट्रोल करना, नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की प्रक्रिया है शैक्षिक प्रशासन। उम्मीद है दोस्तों समझ में आएगी। नेक्स्ट देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन का शैक्षिक प्रबंध का महत्व क्या होता है। देखिए महत्व आप चाहे तो पॉइंट्स वाइज लिख लीजिए कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, निर्देशन डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन और इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना, या तो आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे यहां पे है शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करना। क्या है शैक्षिक प्रबंधन का महत्व, क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करना, शिक्षा हेतु समाज व शिक्षण संस्थानों के सकारात्मक परिवेश बना, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना एजुकेशन के लिए, और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तरदायित्व व जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो के पाठ्य सहगामी क्रियाएं, मतलब एजुकेशन के साथ साथ जो क्रियाएं चलती हैं उसको भी विकास करना, और शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्माण करना, एक अच्छी शैक्षिक नीति का निर्माण करना। तो ये महत्व है किसका, शैक्षिक प्रबंधन का, एजुकेशनल मैनेजमेंट का। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके बारे में पॉइंट डाल के भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका तीसरा प्रश्न क्या आया था, तीसरा प्रश्न 2021 में पूछा गया था कि संतुलित आहार की परिभाषा बताइए, बैलेंस्ड डाइट। देखिए बैलेंस्ड डाइट का क्या मतलब हुआ, आजकल हमारी सबसे बड़ी कमी ये है ना कि हम फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री, ये सारी चीजों की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, हम तोंदू आई मीन पेट निकलने वाला है। और देखिए बहुत लोग अपना पेट चेक कर रहे होंगे, चलिए ठीक है अच्छी बात है। और देखिए तो संतुलित आहार का मतलब बैलेंस डाइट होना चाहिए, आपको प्रॉपर डाइट जिसमें आपको विटामिन भी अच्छे से हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हर एक की संपूर्ण की बैलेंस डाइट हर एक अच्छे तरीके से आपको मिले, उसी को हम बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार कहते हैं। अब आइए इसकी परिभाषा कैसे आपको लिखना है, इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा आहार जिसमें वो सभी चीजें उचित मात्रा में मौजूद हो। कौन सी, फास्ट फूड, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर, और क्या कहते हैं उसको, मैक्रोनी, मीन, तो ये सारी चीजें नहीं, संतुलित आहार मतलब एक ऐसा आहार जिसमें वो सभी चीजें, देखो मुंह में पानी आ गया यार, ओके लीव इट मैन, ओके, ऐसा आहार जिसमें वो सभी चीजें उचित मात्रा में मौजूद हो जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, नवल, जल तथा सभी प्रकार के विटामिन उचित मात्रा में होते हैं जिससे शरीर के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, अभी समोसा मंगाते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने उस आहार को जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करे, संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन, बहुत अच्छा डेफिनेशन मिल गया आपको यहाँ पे। आप कह सकते हैं
कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने उस आहार को जो हमारे शरीर के सभी पौष्टिक तत्व हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता हो संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सेम चीज को यहाँ पे लिखा गया, सच ए डाइट इन विच ऑल दोज थिंग्स आर प्रेजेंट इन अ प्रॉपर क्वांटिटी विच इज नेसेसरी फॉर द बॉडी सस्टेन्स, जीवन के निर्वाह के लिए क्या हो, सस्टेंस के लिए क्या हो, प्रेजेंट हो वहां पे, प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर्स एंड ऑल द टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर प्रॉपर क्वांटिटी इन अ बैलेंस डाइट। तो सारी चीज आर इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, सारी चीजें क्या होती, प्रॉपर क्वांटिटी में होती है। फ्रॉम विच ऑल द नीड्स ऑफ अ बॉडी आर फुलफिल्ड, जिससे शरीर की सारी जरूरतें क्या होती है, पूरी होती है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपका डेफिनेशन है कि देयरफॉर द डाइट मेड अप ऑफ मिक्सचर्स, देयरफॉर द डाइट मेड अप ऑफ मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट टू आवर बॉडी इन अ प्रॉपर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू आवर फिजिकल नीड्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, संतुलित आहार का मतलब होता है कि आप हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करें, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो संतुलित आहार आप भी करिए, थोड़े समोसे से बचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग का महत्व क्या होता है। योग का महत्व, योग मतलब योग, इंसान योगी बन जाता है ना, उस योग के बारे में बात की जाती है। तो जब इंसान योगी बन जाता है ना, देश दुनिया संसार के मोह माया प्रेम जाल से हट जाता है, तो इसका महत्व क्या होता है शारीरिक जीवन में, सांसारिक जीवन में। इसका महत्व यह है कि योग क्या है भैया, एक ऐसा साधन है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रदर्शित करता है। एकांत में चले जाइए, योगी बन जाइए, देश दुनिया प्यार मोहब्बत से दूर होके ईश्वर की तपस्या में लग जाइए, ईश्वर को प्राप्त करिए, अल्लाह को राजी करिए, यही योग है। तो योग एक ऐसा साधन है जो आत्मा से परमात्मा के का मिलाने का मार्ग प्रदर्शित करता है। योग करने से मन एकाग्र होता है, चित्र की चंचलता नियंत्रित है, मन इधर उधर नहीं बहकता है, और इसके द्वारा व्यक्ति पाप कर्म करने से बचता है तथा अपने मन को शुद्ध रखकर पुण्य काम करने की ओर बढ़ता है। किससे भैया, योग से। योग एक उच्च कोटि का साधन है जो व्यक्ति को ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है जिसके बल पर व्यक्ति प्रत्येक कार्य कुशलता पूर्वक कर जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योग, माफ कीजिएगा यहाँ पे योग होगा, ठीक है, युग नहीं, योग एक ऐसा साधन है जिसके करने से व्यक्ति अपने जीवन में सुखी संतोषी बनकर दीर्घायु प्राप्त करता है। जब आप इंसान योगी बन जाता है योग, तो उसे संतोष प्राप्त होता है, उसको दिल की तसल्ली मिल जाती है कि एक दिन तो हमें भगवान को ही प्राप्त करना है, इस सांसारिक मोह माया से हट जाता है, एक तसल्ली, एक संतोष और सुख जीवन व्यतीत करता है, और इससे क्या होता है, दीर्घ आयु प्राप्त होती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योग, हम सबको एक दिन योगी बन जाना चाहिए। ओके, बात करेंगे, देखो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इस वीडियो को। अब बात करेंगे स्वच्छता क्या है, यह प्रश्न पूछा गया था आपका 2021 में, पांचवा प्रश्न था आपसे पूछा गया था कि स्वच्छता क्या है, हाइजीन का मतलब क्या होता है, हाइजीन का अर्थ क्या होता है। देखिए, हाइजीन का अर्थ स्वस्थ रहने का तरीका, यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। ठीक है, इसकी अनदेखी जहां एक ओर लोगों को शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों को किसी संक्रामक बीमारी के चपेट में भी ला सकती है। वो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और स्वस्थ मन के अंदर ही भगवान का निवास होता है, इसलिए स्वच्छता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कहते हैं पाकी आधा ईमान होता है, इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए हर एक चीज पे, खुद को, हर एक इन्वायरमेंट को, जहां पे आप रहते हैं अपने सराउंडिंग को एक स्वच्छता हाइजीन माहौल बनाना चाहिए। तो देखिए यहां पे लिखा है, हाइजीन मीन्स द वे टू बी हेल्थी, एक जीवन स्वस्थ रहने का तरीका। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर अ फिजिकल, नॉट ओनली फॉर फिजिकल बट ऑल्सो फॉर अ मेंटल हेल्थ, मस्तिष्क आपका स्वस्थ रहना चाहिए। बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर माइंड एंड ब्रेन, बाय इग्नोरिंग इट, इसको इग्नोर करने से क्या होता है, पीपल मे हैव अ फिजिकल प्रॉब्लम, ऑन द अदर हैंड यू मे ऑल्सो फॉल इन द ग्रिप ऑफ सम इन्फेक्शियस डिजीज, हम किसी संक्रामक बीमारी के चपेट में भी आ सकते हैं। तो स्वच्छता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये साधारण शब्द है, इसके बारे में आप स्वयं से भी लिख सकते हैं, ये मेरे शब्द है, हमने अपने शब्दों में लिखा, आप अपने शब्दों में लिखिएगा। बस मेरा मकसद ये है कि आपको बता दूं कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। पिछले साल प्रश्न पूछा क्या गया था 2021 में। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चंस एंड दैट्स व्हाट, संक्रामक रोग का अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल सी आसान भाषा में समझिए, संक्रामक रोग का मतलब होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर यानी कि पहुंचने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं, जो संक्रमक संक्रमण से फैलता है, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया। संक्रामक रोग का तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो इंसान को
जो एक इंसान या एक जीव से दूसरे इंसान या दूसरे जीव में फैलते हैं। इस प्रकार के रोग किसी न किसी रोग जनित कारकों मतलब रोगाणुओं से जैसे प्रोटोजोआ, यीस्ट, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलकर उसे संक्रमित कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप सबसे पहले तो कोविड ले लीजिए, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज रेफर टू डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशन टू द अनदर ह्यूमन और ऑर्गेनाइज। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इन्फेक्टेड थ्रू सम पैथोजेनिक फैक्टर्स लाइक प्रोटोजोआ, यीस्ट, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूड मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और इन्फ्लुएंजा। तो ये है संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज। दोस्तों उम्मीद है आप सब इससे बचे रहें, भगवान अल्लाह ईश्वर आपको इन सब चीजों से बचाए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये है छठा प्रश्न था। सातवां प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। सातवां प्रश्न क्या था? सातवां प्रश्न बहुत ही अच्छा आपसे प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा मंत्रालय के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के कार्य क्या होते हैं? तो व्हाट आर द वर्क्स ऑफ एजुकेशनल मिनिस्ट्री। तो सिंपल सी बात है, शिक्षा मंत्रालय क्या करता है? शिक्षा मंत्रालय शिक्षण नीतियां बनाता है, शिक्षा नीति निर्धारण करता है तथा उसे लागू करता है, शैक्षिक योजना बनाते हैं, छात्रवृत्ति, लोन, वित्तीय सहायता देते हैं शैक्षिक मंत्रालय, गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यक के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान लिख लीजिएगा, प्रदान करते हैं, और देश की शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ते हैं। ठीक है, आपको वीजा प्रोवाइड करते हैं अब्रॉड जाने के लिए पढ़ाई की, तो इस मामले में हेल्प करते हैं, और बच्चों के लिए मुफ्त किताबें, ड्रेस, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। तो यह है शिक्षा मंत्रालय के कार्य। ठीक है, और एक यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, वादा करते हैं और वादे से मुकर। अरे सॉरी यार, मतलब बुरा नहीं मानना, मतलब ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो शिक्षा मंत्रालय के कार्य इंग्लिश में क्या होता है? एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, उसका इंप्लीमेंटेशन करना, एजुकेशन प्लान करना और फाइनेंशियल हेल्प जैसे स्कॉलरशिप, लोन आदि प्रोवाइड करना, एजुकेशन के माध्यम में गरीब बच्चों, महिलाओं और माइनॉरिटीज की हेल्प करना। ठीक है, देश की शिक्षा कंट्रीज एजुकेशन को इंटरनेशनल एजुकेशन से जोड़ना और बुक्स, ड्रेस, फूड बच्चों के लिए अरेंज करना। तो यह है शिक्षा मंत्रालय के कुछ कार्य। आठवां प्रश्न आपसे 2021 में क्या पूछा गया था कि समय सारणी का महत्व बताइए, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। देखिए कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, काफी जनरल सवाल पूछे जाते हैं, आप स्वयं से भी इसको लिख सकते हैं अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं, थोड़े से अगर आपको सेंटेंस बनाना आता है तो। ठीक, मेरे शब्दों में ये क्या है, समय सारणी का क्या महत्व, टाइम टेबल का क्या महत्व होता है? तो देखिए स्कूल में जब टाइम टेबल होता है ना, तो समय सारणी के द्वारा विद्यालय संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान मिलता है, मतलब एक हर एक कार्य को एक सही स्थान मिल जाता है कि इस ये कार्य करना है, इसमें प्रेयर होगा, इसमें पहली क्लास, इसमें लंच, इसमें छुट्टी और इसमें खेलकूद। तो समय सारणी का ये महत्व है। इसके द्वारा क्या होता है, अध्यापक और छात्रों को अपने निर्धारित समय का ज्ञान होता है कि भैया हमें ये समय ये कार्य करना है, टीचर को भी पता रहता है। समय सारणी इस बात का ज्ञान करती है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, अतः समय और शक्ति अपव्यय की संभावना नहीं होती है, समय आपका खराब नहीं होता, आपको पता है कि इस समय आपको ये कार्य करना है, 2 बजे आपको लंच कर लेना है और ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। समय सारणी द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस अध्यापक को किस मात्रा में कितना और कैसे कार्यभार सौंपा गया है। यदि किसी अध्यापक को कम कार्य सौंपा गया है तो उसे अधिक दिया जा सकता है और जिस से अधिक सौंपा गया उससे कम। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही टीचर के सारे कार्य होते हैं कि आपको ये भी पढ़ाना है, ये भी करना है, ये तो समय सारणी टाइम टेबल रहेगा तो भैया अब एक समय पे वो 2 कार्य तो कर नहीं सकता, इसीलिए उसे अगर ज्यादा कार्य दिया गया हो तो उसे कम किया जा सकता है, कम कार्य किया गया तो और ज्यादा कार्य दिया जा सकता है। इसके द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को सुविधा अनुसार समय मिल जाता है, हर एक सब्जेक्ट को उसके अनुसार समय मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में स्वयं ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, इतनी बड़ी चीज नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन ट्रांसलेट इट इजीली, आई बिलीव सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, प्राइमरी शिक्षा की अवधारणा क्या है? ये क्या प्राइमरी शिक्षा की अवधारणा, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। जो प्राइमरी शिक्षा है ना, जो हम प्राइमरी शिक्षा की अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों पढ़ते हैं प्राइमरी शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो सिंपल सी बात यह है कि प्राइमरी शिक्षा अर्थात अधिकम की वह प्रक्रिया, लर्निंग का वह प्रोसेस जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से जुड़ी जानकारी एवं जागरूकता को बढ़ावा दे सके। ठीक है, जो भी एनवायरमेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी न्यूज़ है, जो भी नॉलेज है, वो हमें बता सके, इसकी जागरूक कर सके और इसको बढ़ावा दे सके और साथ ही साथ उसका सामना करने के लिए आवश्यक कुशलताओं को विकसित करने में सहायक हो। जैसे जो भी अगर पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ना, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमें स्किल्सफुल बनाए, हमें आवश्यक कुशलता का विकास करे। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी शिक्षा की कॉन्सेप्ट और अवधारणा। इंग्लिश में इन्वायरमेंटल एजुकेशन मीन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग,
कौन सा, दैट कैन प्रमोट नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट। समझ में आ गई बात, जो इन्वायरमेंट के ज्ञान और अवेयरनेस को प्रमोट करे एंड चैलेंज एट द सेम टाइम हेल्प इन डेवलपिंग द नेसेसरी स्किल्स टू मीट देम। जो भी चैलेंजेस आते हैं ना उससे मीट, उससे सामना करने के लिए जरूरी स्किल्स के अंदर क्या करे, डेवलप करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो को ये खत्म करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा वीडियो लंबी हो गई थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप ऐसे देख लेंगे ना, बट डिस्कस कर लेंगे ना, तो चीजें समझ में आ जाएंगी, एग्जाम्स में आराम से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण लिखिए। अच्छे पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक का मतलब क्या होता है, देखिए सुपरवाइजर इंग्लिश में कहा जाता है। आपको पता है आपके स्कूल में ना कुछ पर्यवेक्षक होते हैं जो आके ये चेक करते हैं कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चों के कार्य पूरा है कि नहीं, तो इसको पर्यवेक्षक कहते हैं। अब सुपरवाइजर, एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण क्या होते हैं, गुण हमने बहुत सारे लिख दिए, जैसे कि उसके पास नेतृत्व का गुण होना चाहिए, ठीक है, वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, उसके पास निर्देश देने और आदेश जारी करने की क्षमता होनी चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है फिर भी उसका जाके प्रिंसिपल के सामने कंप्लेन कर दिया, नहीं, वो ईमानदार होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को उस पर विश्वास होना चाहिए, टीचर को भरोसा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस पर भरोसा ही नहीं है और ऐसे आदमी को हमने पर्यवेक्षक बना दिया, सुपरवाइजर बना दिया। नेक्स्ट है, उसे जल्दी से अपना आपा नहीं खोना चाहिए, बल्कि उसे कार्यकर्ताओं से व्यवहार करने में धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, ऐसे नहीं कि छोटी सी बात पे वो गुस्सा करे, उसके पास आवश्यक योग्यता भी होनी चाहिए, तभी तो वो चेक करेगा कि टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। वो एक कुशल प्रशासक होना चाहिए और उसके पास प्रबंध के विभिन्न कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे मनुष्य के प्रति सहानुभूति भी रखना चाहिए कि अब मान लो टीचर बीमार है, वो बेचारा पढ़ा नहीं रहा है, आके डांटने लग जाए, तो थोड़ी सी सहानुभूति भी होनी चाहिए कि चलो भैया टीचर बीमार हो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, तो सहानुभूति भी होनी चाहिए। उसे कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी 2021 में पूछे गए पार्ट ए के क्वेश्चंस आपके सामने। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी और मजा आया होगा पढ़ के, समझ के। देखो अपने आसान से, देखो मेरी जो चीजें होती है ना वो आसान शब्दों में होती है, ऐसा नहीं कि बस मैं कॉपी से उठा के पेस्ट कर दूं, बुक से या फिर कहीं से, और फिर आपको वो याद। आसान से शब्दों में समझ जाइए और अपने शब्दों में लिखिए। देखिए आप मुझे एक प्रॉमिस करिए कि जितनी भी चीजें बताइए ना आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप समझ जाइए अपने शब्दों में, एग्जाम्स में जाइए, लिख के आइए, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। और एक और आखिरी कार्य ये भी कर दीजिएगा, थोड़ा कर दीजिए, वो जो लाल आइकॉन है ना सब्सक्राइब वाला, बस बस उस पर क्लिक कर दीजिए और धीरे से इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में, सॉल्व करेंगे 2020 के क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत। बाकी देखिए कमेंट में आप मुझे बताना नहीं भूलिएगा कि आपको ये सारी चीजें कैसी लगी, ये सारी चीजें जान के मजा आया कि नहीं आया, आप कमेंट में मुझे मोटिवेट जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत दोस्तों।